अब हम आगे पढ़ते हैं 54d डी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसे साथ साथ पढ़ा जाए तो ज्यादा बेटर है 54g जी और 54ga जी ए ये तीन सेक्शन आप एक साथ पढ़ते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता है इसलिए मैंने पहले ईसी कर लिया था hmm. हां जी कहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एल टी सी ए कर दो जी कर दो बात एक ही है। चलिए सर ये जो सेक्शन बनाया गया ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बनाया गया इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जिनका बिजनेस है फैक्ट्री है क्योंकि आपको बोला गया कोई भी एसेट्स आप बेचते हैं एनी काइंड ऑफ एसेट्स तो वहां से जो बेचने पे फायदा होगा उसे कैपिटल गेन के अंदर हम डाल देंगे और उस पर हम टैक्स लेंगे आपका फैक्ट्री पूरा बेचोगे तो वो भी कैपिटल गेन का ही पार्ट है कंपनी बेचते हो वो भी कैपिटल गेन क्योंकि कंपनी इज ऑल्सो कैपिटल एसेट्स है तो ये सब कैपिटल इसका पार्ट है कई बार क्या होता है कि आपकी कंपनी आपका फैक्ट्री कहीं है गवर्नमेंट को वो जगह पसंद आ गई वहां पे कोई प्रोजेक्ट करना है मेट्रो जाना है यहां से आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो गवर्नमेंट क्या करेगी उस फैक्ट्री को वहां से हटा देगी और बदले में आपको पैसे दे देगी बदले में क्या दे देगी ऐसा होता ही नहीं होता होता है आपका जमीन था फैक्ट्री जमीन की बात नहीं कर रहा मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं ऐसे पॉइंट को बोलते हैं कंपलसरी कैपिटल गेन कैसे निकलता है हम आगे वैसे पढ़ेंगे आपने मान लेते हैं कि उस फैक्ट्री को और फैक्ट्री के अंदर मेजरली लैंड और बिल्डिंग तो आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपने परचेज किया था दस लाख का और गवर्नमेंट ने वैल्यूएशन किया उसका एक करोड़ रुपए और एक करोड़ अकाउंट में आगे तो आपके नब्बे लाख रुपए तो बन गए ना कैपिटल गेन नब्बे लाख पे बीस परसेंट आपको अठारह लाख रुपए तो देने पड़ेंगे ना सरकार को आप कहते हो सर एक तो हमारी फैक्ट्री भी आपने अच्छी बड़ी चल रही थी सब कुछ सेटअप था आपने मेरी फैक्ट्री को भी क्या करा यहां से हटा दिया चलो फैक्ट्री हटा लिया और उससे जो हमने पैसे हमें नहीं कमाना कैपिटल गेन लेकिन मजबूरी में आपने कर दिया तो ये पैसा आप मुझे दे रहे हो ठीक है मेरे अकाउंट में आ जाएगा लेकिन इससे जो कैपिटल गेन अराइज हुआ उस पर टैक्स क्यों दे गवर्नमेंट ने कहा कि आपको अगर इस पर टैक्स नहीं देना है मैं ऐसा नहीं कह रहा मानता हूं कि आपके फैक्ट्री था और आपके फैक्ट्री को हटा दिया गया तो आपको इस पर कैपिटल गेन देने की आवश्यकता नहीं है हम लेके आ रहे हैं फिफ्टी फोर डी ऐसा तो नहीं है हमने यहां से फैक्ट्री खाली करवाई आपकी तो आप फैक्ट्री लगाओगे ही नहीं फैक्ट्री लोगे ना तो ऐसे सिचुएशन में आप न्यू फैक्ट्री लो कहीं भी लो जहां आपकी इच्छा हो और न्यू फैक्ट्री जितने भी अमाउंट का लोगे वट अमाउंट का लोगे आपको डिडक्शन मिल 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 जाएगा मिल जाएगा कहते तो मैं, मिल जाएगा डिडक्शन मैं वो मिलेगा डी के अंदर यानी आपके फैक्ट्री आपके इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया तो मशीनरी तो ले जाओगे प्लांट ले जाओगे उसको थोड़ी ना बेचने के लिए कहा है सिर्फ जमीन ही तो खरीदा है तो जमीन पे कैपिटल गेन हुआ है तो अगर जहां भी आप जमीन खरीदते हो वहां पे आपको एग्जिमेशन मिल जाएगा और एग्जिमशन मिल जाएगा कहा दो महीने पहले ही लगाया हो और फिर आप एग्जिमशन ले लो आपका फैक्ट्री कम से कम वहां पे आपने फैक्ट्री में काम किया हो कम से कम दो साल दो साल तक उस फैक्ट्री को आपने चलाया हो तो आप इस एग्जेपन को क्लेम कर लोगे फिफ्टी फोर डी के अंदर सर नई फैक्ट्री लेने के लिए लैंड अगेन वही बात लैंड खरीदोगे तो इतनी जल्दी है नहीं दो साल और तीन साल वाली बात यहां पे आ जाएगी यहां पे एक साल पहले तो नहीं करोगे आप तो कहा गया कि कोई भी इंडस्ट्री कोई भी फैक्ट्री गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर ले कंपलसरी का मतलब सर आप नहीं बेचना चाहते लेकिन गवर्नमेंट ने खरीद लिया कंपल्सरी कर लिया तो ऐसे सिचुएशन में आपको एग्जम्पन मिलता है फिफ्टी फोर टी में यानी आपकी फैक्ट्री को किसने खरीदा आपके लैंड एंड बिल्डिंग को किसने खरीदा गवर्नमेंट ने तो एग्जाम्शन मिल जाएगा फिफ्टी फोर डी में इसके बाद आया सर फिफ्टी फोर जी गवर्नमेंट का इंटेंशन था चलो एक फिफ्टी फोर डी बनाया तो फिफ्टी फोर जी भी बना ही देते हैं कुछ दिनों के बाद लेके आए सेक्शन फिफ्टी फोर जी उन्होंने कहा कि गांव को डेवलप करेंगे और किसी भी रूरल एरिया गांव को डेवलप एक ही कंडीशन में हो सकता है रोजगार आप सब दिल्ली में हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो अल्टीमेटली गोल है जॉब अच्छी जॉब मिल जाए तो अगर सारा यही सेम आपको आपके रूरल एरिया में भी मिल जाए तो आप आओगे नहीं दिल्ली आप वहीं रहोगे ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना था अपने डेवलप करना था रूलर एरिया को सर रूर एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है इंसेंटिव निकालती है प्लान निकलती है बोलती है कि भैया यहां फैक्ट्री लगाओगे दिल्ली में चालीस टैक्स गांव में फैक्ट्री लगाओ टैक्स ही नहीं लेंगे यानी यहां एक करोड़ की कमाई पे चालीस लाख सरकार को देना होगा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं और आप गांव में लगाओगे तो आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे तो आप क्या होगे कि हम शहर को छोड़ के कहां चले जाए गांव में चले जाए और वहां जैसे ही फैक्ट्री जाना चालू होगा उस जगह पे हर रूरल एरिया में तो आपका तो फायदा है साथ के साथ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गया मिल गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी फैक्ट्री हम जबरदस्ती नहीं कर रहे आपका अर्बन एरिया में है अर्बन एरिया में आपका फैक्ट्री है इसे बेचिए और ले जाइए रूलर एरिया में अपनी इच्छा से आप अपनी फैक्ट्री को बेचिए और ले जाइए कहां पे रूलर एरिया में अपनी इच्छा से जब आप अपनी इच्छा से रूलर एरिया में ले जाएंगे तो वहां पे आप प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों की हम बातें करेंगे प्लांट एंड मशीनरी और, और लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर कवर नहीं करेंगे यहां पर क्योंकि जब आप गांव रूलर एरिया में जाओगे तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ जाए तो मशीनरी को आप सेटअप लेके जाओगे दूर जाना पड़ रहा है तो वहां पे हम इसका भी एक्जिमेशन तो अगर कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी आपने बेचा हो तो मिल फिफ्टी फोर जी में कंडीशन ये है कि आपकी फैक्ट्री को शहर से बेच के कहां जाना है और खरीदने के लिए अगेन वही कंडीशन है दो साल बनवाने के लिए फैक्ट्री को तीन साल कितने लिमिट होगा ये लॉन्ग टर्म मिलेगा आपको किसको मिलेगा ये किसी को भी मिल सकता है जो इस तरीके का काम कर रहा है इंडस्ट्री की बात चल रही है यहां पर तो पहले वाले पॉइंट में इस वाले पॉइंट में सिमिलरिटी है यहां भी फैक्ट्री बिक रहा है और यहां भी फैक्ट्री बिक रहा है फर्क ये है, यहां की फैक्ट्री जो है गवर्नमेंट खरीद रही है और यहां की फैक्ट्री आप अपनी इच्छा से बेच के कहा जा रहे हो गांव में जा रहे हो और बाकी सारी कंडीशन यहां पर सेम है क्या यहां पर सी मिलेगा हमें कैपिटल गेन डिपोजिट अकाउंट में जमा करने के लिए टाइम बिल्कुल मिलेगा जरूरत है यहां पे सर अगला आ गया हमारा फिफ्टी फोर जी ए गवर्नमेंट को जब बहुत ज्यादा एकदम से डेवलप करना होता है किसी भी जगह को तो एक एरिया गवर्नमेंट पॉइंट आउट करती है और उस एरिया को डेवलप करने के मतलब है कि वहां पे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को बोले कि आप वहां पे जाओ आप हम प्रेसराइज करके काम नहीं करा सकते सर इंडिया के अंदर अपने आप करोगे तो ज्यादा बेहतर है और अपने आप इंसान तभी करता है जब फ्री में मिले अगर जियो जब आया था आपको बोलता है सिम ले लो ये देंगे नहीं फ्री में बांटा तो लाइन में लग लग के लिया लोगों ने कोई प्रेसराइज नहीं था चार बजे सुबह सुबह उठ के भी लिया है लोगों ने जब डेटा नहीं हुआ करता था पहले तो प्रेसराइज नहीं करेगी गवर्नमेंट ने बोला कि इस एरिए में जाओ एक नोटिफाइड कर दिया जैसे कि नोएडा नोएडा जो है नोएडा भेजा गया बोला भैया नोएडा में जितने भी जाएंगे पहला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लेंगे हम करो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, का काम करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दूसरा आपको लोन जो है हम इंटरेस्ट फ्री प्रोवाइड करेंगे आप लोन लीजिए बिजनेस वहां पे सेटअप करिए और हम ब्याज बहुत नॉमिनल लेंगे लोन के लिए गारंटी हम बन जाएंगे आप लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करिए कुछ कंडीशन है वो फुलफिल करिए यानी आपको बहुत सारे बेनिफिट आपके जितने एसेट्स है एसेट्स पे आपको 10 परसेंट का डिप्रिसिएशन मिलता है हम 10 की जगह पे 20 परसेंट का डेप्रीसिएशन प्रॉफिट में माइनस करने देंगे आपका प्रॉफिट कम कर देंगे टैक्स रेट हर जगह पे 30 परसेंट है आपसे हम 15 परसेंट टैक्स लेंगे लेकिन कंडीशन है आपकी फैक्ट्री यहां पे होनी चाहिए और ऐसे फैक्ट्री जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है इस एरिया को बहुत जल्दी डेवलप करना होता है उसे बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक तो अगर कोई व्यक्ति कोई भी कहीं से भी फैक्ट्री बेचे कहीं से भी चाहे रूरल से बेचे चाहे अर्बन से बेचे और इस एरिए में जाके अपने फैक्ट्री को ओपन कर लेता है तो उसको जो डिडक्शन उसको जो एग्जिमशन मिलेगा वो जी ए के अकॉर्डिंग मिलेगा 54 फोर जी ए यहां पर बोला गया यहां फर्नीचर भी रखा गया अब ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या था सर लैंड एंड बिल्डिंग यहां क्या था प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग और यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर तीनों को दे दिया गया अगेन वही दो साल बाद और बनाने के लिए तीन साल सारी कंडीशन वही सेम अभी हम पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा बस मेन पढ़ना कि यह सेक्शन अप्लाई कब होगा क्वेश्चन में दिया होगा आपका अगर तो सर ये सेक्शन ना सवाल के अंदर पूछा जाना थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि कोई फैक्ट्री बेचेगा नहीं और आपको दिखेगा ना इसके ऊपर थ्योरी मैक्सिमम टाइम तब पूछा जाता है 54 को, क्योंकि घर खरीदा और घर बेच दिया शेयर खरीदा शेयर बेच दिया कभी भी नहीं बोला जाता फैक्ट्री है वो बेच दिया शायद आ जाए तो कर सकते हम ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन मैक्सिमम आपका ये थ्योरी के पॉइंट से पूछा जाता है तीनों को कोऑर्डिनेट करोगे ना तो तीनों आपको एकदम से समझ में आएगा पढ़ने का सही तरीका यही है इस तीनों को एक साथ पढ़ना आपने पहले क्या है फिफ्टी फोर डी फैक्ट्री को गवर्नमेंट ने खरीद लिया 54G, आपने खुद बेच दिया शहर से फिफ्टी फोर जी ए आपने खुद बेचा यहां पे आप खरीदो कहीं और यहां पे खरीदो गांव में और यहां खरीदो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बस इतना फर्क है ये पॉइंट आपको याद रखना है कितना आप एक्जन ले सकते हो नो लिमिट जितना कैपिटल गेन जितना इन्वेस्टमेंट करोगे सारा आपको एग्जिमशन मिल जाएगा वही बात आ जाएगी कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट अमाउंट विच इज लोअर ठीक है सर इसको देख लेते हैं एक बात चलिए पहले पॉइंट को देखते हैं डी को कहता है एनईएसएससी कोई भी इंडिविजुअल कंपनी का मतलब सरकार government, याद रखना metro वालों ने आपकी जमीन छीन ली आगे कहता है सच लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी यूज एज एस एस सी फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एटलीस्ट टू ईयर बिफोर यानी वो जमीन आपकी दो साल पहले तक आपने यूज किया हुआ होना मतलब वहां इंडस्ट्रियल काम हुआ हुआ हो तभी आपको यह बेनिफिट देगा सर लॉन्ग टर्म होना चाहिए आगे कहता है लैंड एंड बिल्डिंग आपका होगा एलिजिबल एसेट्स क्या है लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होना चाहिए ये नहीं कि आपने क्या करा फैक्ट्री गवर्नमेंट ने खरीद लिया अब बोला फैक्ट्री का काम ही नहीं करेंगे चल बढ़िया घर खरीद के रह लेते हैं तो एक्सम्सन तब इंडस्ट्रियल ही लेना है वापस से आपको आगे कहता है सर मैक्सिमम टाइम अलाउड सर थ्री ईयर फॉर डेट ऑफ कंप आपका कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रांसफर के लिए सर बात वही है यहां पे थोड़ा सा मिसिंग जो है टू ईयर भी लिख लेंगे टू ईयर परचेज के लिए और सर कैपिटल गेन डिपॉजिट आपके पास अवेलेबल है क्योंकि फैक्ट्री लोगे तो सब कुछ देखोगे रोड देखोगे पानी देखोगे वहां पे क्या सुविधाएं हैं वो देखोगे वहां पे वर्कर आएगा या नहीं आएगा वो देखोगे तो उसमें सोचने समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए दिया गया क्लियर है इसके बाद देखते हैं सर फिफ्टी फोर जी ए सर फिफ्टी फोर जी ए क्या कहता है सॉरी फिफ्टी फोर जी पहले कहता है एनी एस एस सी प्लांट एंड मशीनरी और लैंड नॉट फर्नीचर मैंने स्पेसिफाइड कर दिया इसके अंदर फर्नीचर नहीं आएगा यूज फॉर बिजनेस पर्पज के लिए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आपका सिचुएटेड कहां होगा अर्बन थोड़ा थोड़ा काट काट के एक पेज पे अर्जे, अरेंज करना था मैं इसको दोबारा चार्ट बनवा दूंगा अर्बन एरिया ड्यू टू तो शिफ्टिंग रूलर एरिया मतलब कहानी सर आप शहर से जा रहे हो गांव की तरफ अपने फैक्ट्री को बेच के तो लैंड और बिल्डिंग अगर खरीदते हो तो भी एग्जाम्सन मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी का भी एग्जाम्शन मिल जाएगा आगे क्या कहता है कितना टाइम द एसेट ट्रांसफर शुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होना चाहिए और लॉन्ग टर्म रहेगा और आगे देख लेते हैं सर कौन सा है ये वाला ये है फिफ्टी फोर जी प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग नॉट फर्नीचर इफ परचेज वन ईयर बिफोर मैंने शायद यहां गलत पढ़ दिया अच्छा नहीं मैंने अभी ठीक तो कराया था ये वाला पढ़ा ही नहीं क्या मैंने नहीं यहाँ तो ठीक पढ़ा है ठीक है ठीक है परेज वन ईयर बिफोर टू ईयर आफ्टर डेट ऑफ सच ट्रांसफर कंस्ट्रक्शन के लिए तीन साल चाहिए लोअर मिलेगा कैपिटल गेन डिपॉजिट का भी आपके पास है अवेलेबल अगर आप एक कर लेते हो अच्छे से तो बाकी में थोड़े थोड़े पॉइंट याद रखना है ठीक है ना फिफ्टी फोर ई सी कर लिया तो डबल ई अपने आप हो जाएगा फिफ्टी फोर डी कर लिया तो फिफ्टी फोर जी और फिफ्टी फोर जी ए भी अपने आप ही याद रहेगा आपको एग्जाम के अंदर 54F फोर एफ कंप्लीट फिफ्टी अलग है कंप्लीटली और 54 आपका B भी कंप्लीटली अलग है वहां पे अलग अलग बातें कही गई है सर इसके बाद देखते हैं अगला सेक्शन फिफ्टी फोर कहता है एनई एस एस सी प्लांट एंड मशीनरी लैंड और बिल्डिंग इंक्लूडिंग फर्नीचर बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सारी बातें ये कहां शिफ्टिंग करनी है मुद्दे की बात ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन कौन सा होता है मैंने बताया जहां पे गवर्नमेंट आपको बहुत सारे देती है एसेट ट्रांसफर शुड बी लॉन्ग टर्म होना चाहिए लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा आगे देखें प्लांट एंड मशीनरी के लिए एलिजिबल रहोगे आप आपको दो साल पहले एक साल बाद तीन साल कंस्ट्रक्शन और वही सारी की सारी बातें आपको कह दी गई है

थ्योरी वाले सेक्शन में हमने अलग से मेंशन किया हुआ है आपके नोट्स के अंदर समझे बात आप लिखना वैसे ही है चलिए सर